नमस्कार मित्र, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथालन में। तो आज हम आप सभी के समक्ष चुनाव का माहौल लेके आए हैं। यहाँ पे कुछ आदमी सब हमसे पूछेंगे कि वो किनको वोट देना चाहते हैं, कौन से तरह के नेता चाहते हैं, उस सबके बारे में हम लोग पूछने जा रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो अवश्य देखें, साथ ही हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ तरुण झा जी। आप क्या काम करते हैं? हम ठेकेदारी लाइन में करते थे, अभी बैठ के पंचायत करते हैं। अच्छा, तो आप इस बार वोट भी गिराएंगे? बिल्कुल गिराएंगे। तो किनको वोट गिराएंगे? हम लोग शंकर झा को वोट देंगे। तो उन्होंने अभी उनका क्या एजेंडा है, क्या कार्य करवा रहे? उनका है केवल एजेंडा है विकास। क्या क्या विकास है? 48 वार्ड में 38 वार्ड पानी से डूबा हुआ रहता है, उसको निकासी का व्यवस्था करेंगे पहला काम। दूसरा काम, जितना उद्योग बंद है उद्योग चला देंगे। गौशाला को तो नर्क है तो उसको पूरा करेंगे। सुअर हमको जो हॉस्पिटल था यहाँ से चला जा रहा है उसको उद्धार करेंगे, रोड के देखेंगे और क्या करेंगे। मतलब इसी कार्य हॉस्पिटल DMCS को देखेंगे, जो हमारे 20 साल से विधायक है और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कमी रह गई विधायक में? विधायक अपनी उनमें कमी नहीं रही है, वो अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए है। वो गवर्नमेंट को पैसा लेके अपने दलाल ठेकेदार को करके अपना पॉकेट गर्म करते हैं। और किला घाट से लेकर दिग्गी तक में मिली हुई थी नाला, इस वार्ड के लिए नर्क का स्थिति बना हुआ है। जमीन सबको माफिया के भूमि माफिया के जरूर कब्जा करवा के नाला पर घर बनवाते हैं विधायक। ऐसी बात है, बिल्कुल सही। इस कारण उनको इस बार आप हम लोग जो ब्राह्मण समाज है उनको तिरस्कार करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक झा है। कि आप क्या काम करते हैं? मैं एक ऑटो चलाता हूँ जी। कहाँ पे ऑटो चलाते हैं? मैं स्टेशन से ऑटो चलाता हूँ, दरभंगा जंक्शन से। अच्छा, ऐसी बात है। क्या चुनाव का माहौल इस बार कैसा चल रहा है? इस बार मिला जुला के BJP का ही दरभंगा से लीड कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि BJP का जो कार्यकर्ता है ये है, हम लोग BJP से नहीं विधायक से नाराज। अच्छा, पार्टी से नहीं नाराज। अब विधायक से क्यों नाराज? क्योंकि वो अपना बनाया है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। क्या पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया? जैसे इधर पानी के लिए हम लोग तरस रहे थे, अभी तक नल का योजना नहीं आया है। नल लग गया, पानी अभी तक हम लोग को नहीं आया है। प्लस रोड हम लोग का नहीं है, नल पानी इतना जमा हो जाता है कि पानी हेल के जाना पड़ता है। इस सब प्रॉब्लम से हम सब बहुत। तो क्या उनमें आपको कोई अच्छाइयाँ नहीं दिखती है? नहीं, अच्छाइयाँ दिखती है। हम लोग तो सिर्फ BJP पार्टी को देख रहे हैं कि BJP को ही देख रहे हैं कि राम मंदिर BJP बनाया, हिंदू नाते हम लोग BJP को देंगे। ऐसी बात है। तो क्या आप इसका पहली बार वोट दे रहे हैं कि इससे पहले ही वोट दिया? इससे पहले मैं कम से कम 50 बार 20 बार दे चुका हूँ। तो आप इसका किसको मतलब सरकार मान रहे हैं? मोदी सरकार माना चाहते हैं? और मोदी जी का BJP का कोई भी हो, नीतीश नहीं चाहिए। BJP का कोई भी नेता हो लेकिन नीतीश नहीं। तो नीतीश को क्या कमियां रहेंगी? नीतीश में दारू बंद कराया फिर भी दारू बिक रहा है बिहार के अंदर। वो कैसे? अब हम फोन करने के पे आ जाता है घर के बाद में, फोन से आ जाता है। तो क्या आप भी पी रहे हैं? आप पीते हैं, हम लोग गाड़ी वाले हैं, कभी कभी पीते हैं। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार झा। क्या आप इस बार किनको वोट देना चाहेंगे? इस बार हम तो ये शंकर झा को देना चाहते हैं, बल्ला झा को। वो क्या काम करवा रहे हैं जिनको आपको वोट देना चाहिए? इस बार हम तो 52 को 52 को इसके लिए 52 का सीट इसी के लिए 52 को सीट चाहते हैं, उसी कोई विधायक बने। इस बार हम तो विधायक से बहुत विरोध है, काम अच्छा नहीं किया, 15 साल से राज किया है, खाली अपना मकान बिल्डिंग बनाया है, कुछ भी नहीं काम किया है। उन्होंने क्या काम नहीं करवाया?
जैसे हर जगह रोड का नाला छोटा सा रोड है, पानी भर जाता है, थोड़ा सा पानी होता है पूरा पानी भर जाता है, इसी के लिए लोग उसका विरोध करता है। इस बार उसको विधायक का सीट नहीं देना चाहता। ऐसी बात आपका, आप क्या काम करते हैं? हम तो पुजारी है। कहाँ पे पूजा करते हैं? शास्त्री चौगलवान मंदिर। वहीं से? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप इस बार इससे पहले ही वोट दिए कि आप इस बार पहली बार? इस बार पहले भी वोट दिए थे, बीजेपी की के दिए थे, इस बार नहीं देंगे। इस बार देंगे बल्ला छाप को, जयशंकर। आप किस तरह के नेता चाहते हैं? हम चाहते हैं जयशंकर झा नेता बने, सबसे अच्छा नेता। वो तो समझे आप, मतलब शंकर झा नेता। आप किस तरह के नेता चाहते हैं? वो हम ऐसा नेता चाहते हैं जो एक बार बोले थोड़ा दौड़ के आए काम करें, ऐसा नेता चाहिए। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नीरज वर्मा। आप क्या काम करते हैं? दवा का बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ पे दवा का बिजनेस करते हैं? टोला। अच्छा, तो इसका चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? वही है, राजद का हल्ला है। हम लोग के तो विधायक संजय सराज भी हैं भाजपा के हम लोग, लेकिन यहाँ से उम्मीद है इस बार की राजद सत्यनारायण गामी अमरनाथ गामी वही निकलेंगे यहाँ से, जो माहौल। तो मतलब आप किस तरह के नेता चाहते हैं? हम क्या नेता, नेता वही हो जो काम करावे, सुख दुख में देखे, जनता वही ना चाहता है, और क्या चाहता है? कौन खाना खर्ची थोड़े मांग रहा है। आप ऐसा किनको वोट देंगे? हम लोग तो भाई कट्टर हैं भाजपा। भाजपा ने क्या काम करवाया है जिससे आप उनको वोट देंगे? मोदी है अभी केंद्र, मोदी लेकर भाजपा है। मोदी आज नहीं रहते तो भाजपा का कोई निशानी भी नहीं रहता। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। जी, आपका नाम क्या है? भास्कर ठाकुर। क्या आप क्या काम करते हैं? लॉजिस्टिक है, मैनेजर। तो क्या इस बार चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बस चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी जैसे। अच्छा, तो क्या आप इस बार, आप पहली बार वोट देंगे कि इससे पहले ही वोट दिया है आपने? इससे पहले भी वोट दिया है। तो आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? जो आदमी काम करेगा उसको, जो विकास कराना चाहेंगे। तो मतलब इससे पहले सरकार थी उसमें क्या कमियाँ रह गई हैं? कुछ खासियत ही नहीं था, कमी कोई बात नहीं, कुछ कमी का बात नहीं था, कुछ खासियत ही नहीं था, कुछ खासियत नहीं, सब कुछ कमी हुआ। क्या कमी हुआ? सब कुछ कमी हुआ। किस चीज़ की कमी हुई? कौन सा चीज़ मिला वो तो पहले बताओ। कोई चीज़ मिला ही नहीं तो फिर कमी तो कमी ही। नमस्कार, धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी, आप इस बार किसको वोट देंगे? इस बार वोट तो मतदान के लिए पता चले। तो आप इससे पहले ही वोट दें कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी। तो आप इस बार किस तरह के नेता चाहते हैं? इस बार जो नेता डेवलपमेंट करें, विकास करें। अच्छा, तो आपको कोई ऐसा भी लगता है कि मतलब सरकार ने कुछ करवाया नहीं, कुछ दिक्कतें भी हैं आपको? है, दिक्कत तो सब सरकार में है, लेकिन पिछली सरकार थी उससे बेहतर सरकार अभी चल रही है। ऐसी बात है। तो मतलब आप किसको वोट देना चाहेंगे? वो तो मतदान के दिन पता चलेगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार मित्र, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ चुनाव के समय में कुछ न्यूज़ देते हुए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लोगों का क्या मत है चुनाव में, तो हम लोग ऐसे ही सब न्यूज़ लेके आते रहेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने लोगों से इंटरव्यू सब लिया, वैसे इंटरव्यू सब लेके आते रहेंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7667171। और देखा कि आप सभी ने कैसा चुनाव का समय चल रहा है, कैसा चुनाव का माहौल है, और लोगों में लोग किनको वोट देना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही सब न्यूज़ लेके आते रहेंगे। नमस्कार मित्र, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य खबर लेते हुए, कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्र।